बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बिल्कुल साधारण सा विषय लेकर आपके सामने हूँ, कहानी लेखन। कहानी बच्चों को बहुत प्रिय होती है और कभी भी किसी भी रूप में बच्चे कहानी गढ़ लेते हैं, सुनाने लगते हैं, क्योंकि उनका बचपन जो है वो कहानियों के बीच घिरा हुआ होता है। कभी वो अपनी माँ से कहानियाँ सुनते हैं, कभी नानी दादी से कहानियाँ सुनते हैं, और कहानियाँ सुनने का उनका जो अभ्यास होता है उसी के माध्यम से सुनते सुनते उन्हें कहानियाँ स्वतः बनानी आ जाती है। दादी नानी की जो कहानियाँ होती हैं वो प्रायः राजा रानी के चरित्र से घिरी या पौराणिक कथाओं पर आधारित हो सकती है। पुराने जमाने की बात है, एक राजा था, ऐसे शुरू हो जाती थी कहानियाँ। फिर राजा के चरित्र से लेके जोड़ते जोड़ते कहानियाँ दादी नानी बना बना के इधर उधर खूब सुंदर, और बच्चे माँ की गोद में सोकर, नानी की गोद में सोकर कहानियाँ सुनने की जिद करते थे। आज उन्हीं कहानियों को आपके पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है, और इसलिए कि बाल मन की जो कल्पनाएं हैं उन कल्पनाओं के आधार पर बच्चे लिखना सीखें। आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए, आपकी लेखन कला को सुधारने के लिए, आपकी भाषा शैली को सुधारने के लिए कहानी रचना बहुत आवश्यक है। कहानी लेखन से एक तो आपके पास कल्पना शक्ति का विकास होता है, आप कुछ चीजों को सोचते हैं, कहानी बनाते हैं, फिर लिखते हैं, अच्छी बन जाती है। बहुत बार बहुत अच्छी कहानियां बच्चे लिखने लगते हैं। उनको एक विषय दे दिया जाता है कि परिश्रमी लड़का, अब तुम लिखो, कामचोर लड़का, बच्चे ने खूब सुंदर सुंदर नाम रच रच के किसी का नाम गढ़ लिया और बना बना के उन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर देते हैं। तो कहानी कहीं से पढ़कर, सुनकर, याद करके लिखने की चीज बिल्कुल भी नहीं है। बस ये जानिए कि कहानियां हमेशा आपकी रचना शक्ति को बढ़ाती हैं विशेष रूप से, और आपकी कल्पना शक्ति में भी बढ़ोतरी करती हैं। कल्पना शक्ति जब बढ़ेगी तो आपके पास भाषा का अंबार होगा, भाषा अपने आप बढ़ जाएगी, नए नए शब्दों का प्रयोग करना आ जाएगा, छोटी छोटी बातों को विस्तार से लिखना आ जाएगा। तो कहानी लेखन से एकमात्र यही नहीं है कि सिर्फ कहानी रच गई, कहानी से हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा विकास हो जाता है। और एक नन्हा बच्चा जब अपनी कलम उठाकर कहानी रचता है तो उसके मन और मस्तिष्क में कल्पनाशीलता बढ़ जाती है, उसकी लेखन कला बढ़ जाएगी, उसे उसके पास शब्द भंडार पड़ जाएंगे, भाषा शैली सुंदर हो जाएगी और मात्राओं का ज्ञान भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में कहानी लेखन जो आज की स्थिति से देखा जाए तो कक्षा 10 में भी लघु कथा जोड़ दी गई है। मैं यहाँ पर कक्षा 6 के विद्यार्थी को करा रही हूँ, इसलिए करा रही हूँ कि कक्षा 6 का विद्यार्थी अगर छोटी सी एक कहानी 100 शब्दों की, 75 शब्दों की लिख सकेगा तो जब वो कक्षा 10 में आएगा तो 300 से 500 शब्दों की कहानियां भी लिख सकता है। इसलिए आपके स्तर में ही कहानियों को अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है। हालांकि कहानियां बताने के लिए कोई परिभाषा याद नहीं करनी है, कोई जानकारी नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ कहानियों के गुण कौन कौन से होते हैं, एक अच्छी कहानी लिखने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, क्या क्या आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए, ये जानना जरूरी है। कभी कभी आपको कहीं अखबार में निकला दृश्य है, कहीं किसी बच्चे का चित्र है, खेलते हुए बच्चे का चित्र है, आपको एक चित्र दिखा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इस पे कहानी लिखो, बच्चों की रचना कला शुरू हो जाती है। तो
तो इस तरह से भी कहानियां होती है चित्रों के माध्यम से। आप लोगों ने छोटे कक्षाओं में और छोटी कक्षाओं में ये कौवे वाली कहानी सुनी होगी, देखी होगी कि चित्र बना रहता है, एक घड़ा है, खाली है, एक कौवा है, बहुत प्यासा है। प्यासा कौवा की कहानी आपने सुनी होगी। फिर वो प्यासा कौवा कहाँ जाता है, जाता है कंकड़ उठा उठा कर लाता है, घड़े में डालता है, पानी ऊपर आता है तो वो पीता है और चला जाता है। तो ये कहानी प्यासा कौवा की कहानी अक्सर छोटे बच्चों को एक तीन चित्रों में बना के दे दिया जाता है कि एक जगह घड़ा बना है और एक कौवा पेड़ पर बैठा है, फिर ये लगता है कि वो कंकड़ उठा के ला रहा है, उस पर डाल रहा है, तीसरे घड़े में चित्र में दिखाया जाता है कि वो पानी पी रहा है और फिर वो उड़ जाता है। अब इसको आप विस्तार से आप लिख सकते हैं प्यासा कौवा की कहानी। तो ये तो आपकी सुनी जानी कहानी है, लेकिन इसी तरीके से आपको अगर कोई अखबार में निकले चित्र हो, कहीं का कोई चित्र एक छाप दिया जाए और कहा जाए इस पर आप कहानी लिखो, तो आप अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से, काल्पनिक नामों के माध्यम से आप कहानी की रचना कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ कहानियों में जो गुण होते हैं वो थोड़े से मैं बता दूं कि आपको श्रेष्ठ कहानियां लिखने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं थोड़ी सी चीजें बोर्ड पे लिख देती हूँ। यद्यपि आपको इस कहीं उतारना नहीं है, सिर्फ आपका ये विषय मैंने इसलिए दिया कि आपको कहानी लेखन भी आना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको बताया। और तो मैं कुछ चीजों को यहाँ लिखती हूँ कि कहानी लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आप उसको पॉइंट आउट कर लीजिए एक दो चीज। सबसे पहले कहानी की विषय वस्तु जो होती है, कहानी की विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु रोचक होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको कहानी का आरंभ ऐसा होना चाहिए, ऐसा करें कि पाठक में उत्सुकता बनी रहे। ये मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि आपको कठिन लग रहा होगा भाषा से। कहानी का आरंभ ऐसा करें, यानी कहानी को कभी भी लिखने लगिए तो ऐसे लिखना शुरू करिए कि उसका आरंभ ऐसा हो कि पढ़ने वाला जो है वो हमेशा सोचे कि आगे क्या होगा। कहानी को पढ़ते ही उसके दिमाग में ये आए कि आगे क्या होगा। अगर जब पढ़ने वाले के मन ये चीज आती है कि आगे क्या है कहानी में, तो आप एक बैठक में कहानी को खत्म कर देंगे, फिर आप उसको छोड़ के बीच से उठ नहीं सकते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। फिर देखिए और क्या चीजें, कहानी जो होती है, कहानी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, फिर कहानी के जो संवाद हैं, यानी बातचीत पात्रों के बीच, कहानी के संवाद सुंदर स्पष्ट होने चाहिए।
होने चाहिए। फिर कहानी के पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। तो मैंने बहुत थोड़े से 4-5 पॉइंट ही आपको बताए हैं। इतने से आप समझ सकते हैं कि कहानी की रचना में क्या होना चाहिए। और उसके बाद 2 शब्द आपको मैं दे दूं और आप उसको समझिए। तो मैं पहले इसको समझा दूं। कहानी की विषय वस्तु रोचक होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर एक कहानी हम लिखने चल रहे हैं तो उस कहानी को का जो विषय होना चाहिए इतना आपके अंदर उत्सुकता जागृत करने वाला होना चाहिए कि जब कहानी किसी के हाथ में आए तो उसका शीर्षक देखते ही उसको पढ़ने, शीर्षक भी बहुत आकर्षक होना चाहिए। एक चीज और इसमें नोट कर लीजिए कि कहानी का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। मैं एक एक जो लिखा है यहां पर टॉपिक उसके बारे में समझा दूं कि कहानी की जो विषय वस्तु होती है वो बहुत रोचक होनी चाहिए, ऐसी कि आपको विषय वस्तु को देखते ही, आपने 2 लाइन कहानी की पढ़ी तो आपका मन कहे कि नहीं। देखिए, जो छोटे बच्चों के लिए कहानी आती है चंपक नंदन, उसमें कैसे छोटे छोटे पात्रों को आप बना करके कहानी लिखी होती है कि बच्चे खुश हो जाते हैं। चाचा चौधरी देख लीजिए, तो उसके लेखन का तरीका जो होता है बिल्कुल बच्चों लायक होता है और बच्चे उसके पीछे दीवाने रहते हैं। नंदन चंपक जैसी किताबें जो होती हैं, ऐसी बाल कथा वाली कोई भी किताबें आप ले लीजिए, तो उसको बच्चों के हाथ में आएगी तो वो बिना पढ़े हुए छोड़ते नहीं है। उन्हें लगता है कि नहीं, बस अब इसे पूरा करके ही उठेंगे, और उसके लिए वो खाना पीना छोड़ के थोड़ा सा करके वो पढ़ ही डालते हैं। दूसरा है, कहानी का आरंभ ऐसा करें कि पाठक में उत्सुकता बनी रहे। अब कहानी जब आप शुरू कर रहे हैं तो पुराने जमाने की तो बातें और थी, राजा रानी की कहानियों से शुरू होती थी, किसी राजा के किले से शुरू होती थी। कभी आप खेल खेल में कहानियां बनाना चाहिए, तो आप कक्षा में अगर बैठे हैं और 6-7 बच्चे हैं तो आप आपस में कहानी बनाने का एक खेल करिए। उसमें एक बच्चा एक सेंटेंस बोलेगा, एक वाक्य बोले, और अगला बच्चा उसी वाक्य को जोड़ते हुए दूसरा वाक्य बताए, तीसरा, ऐसे करते करते अगर आप 4 राउंड इसको करेंगे तो देखेंगे आपके पास 100 शब्दों की एक कहानी तैयार हो गई। तो इस तरह से खेल खेल में कहानी की जा सकती है। आप कभी कक्षा नहीं है, आप मैदान में खेलने गए हैं तो आपको ये खेला जा सकता है, आप गोले में बैठ जाइए, हर बच्चा एक वाक्य बोलेगा। हर बच्चा जब एक वाक्य बोलेगा और वो वाक्य पहले वाक्य से जुड़ता हुआ होना चाहिए। जैसे अगर किसी ने कहा कि सड़क पर गाड़ी तेज दौड़ती चली जा रही थी, तो दूसरे ने कहा कि अचानक वहां पर एक लड़के को धक्का लगा, अब कहानी जोड़ना शुरू हो गई। तीसरे ने तीसरा वाक्य जोड़ा, चौथे ने चौथा वाक्य जोड़ा, फिर पांचवे ने पांचवा, ऐसे करते करते कुछ मिनटों में 100 शब्दों की कहानियां तैयार हो जाएंगी। और हम उस राजा रानी वाली कहानी के क्षेत्र में अगर न जाना चाहें, और अगर आप जाना चाहते अपनी दादी नानी से प्रभावित हैं, तो एक राजा था से शुरू कर दीजिए तो भी आप कहानी लिख लेंगे।
तो ये छोटी मोटी चीजों को ध्यान में रख के जब चलेंगे तो आपको कहानी लिखना अपने आप आ जाएगा। विषय वस्तु को इस तरह से रोचक बनाइए और आरंभ ऐसा करिए कि जैसे मैंने कहा कि सड़क पर तेज मोटर की आवाज सुनाई पड़ी या सड़क पर तेज गति से मोटर कार चली जा रही थी कि अभी सुनते ही आपके मन में आएगा कि देखें आगे क्या होता है, क्या हुआ उस मोटर कार के आने से। तो ये चीजें जो होती हैं आपके अंदर रुचि जागृत करेगी, लेखन की रुचि जागृत करेगी, श्रवण की रुचि जागृत करेगी और सुन के आपकी कल्पनाशीलता की रुचि भी बढ़ाएगी कि आप उसको लिखना सीखेंगे। तो उत्सुकता भी होनी चाहिए। फिर कहा कहानी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब कई बार होता है कि कहानी सुनाना शुरू करती हैं दादी नानी, बच्चे जिद पकड़ते हैं कि कहानी सुनना ही है सुनना ही है। ऐसी स्थिति में दादी नानी कहानियां सुनाने लगती हैं, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, वो कहीं की कहीं कहानियां जोड़ती जाती हैं। बच्चे सुनते 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 फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, दादी नानी की कहानियां कभी खत्म होती ही नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो स्थिति आती है कि वो कहानियां लंबी होती चली जाती हैं और सुनने वाला बच्चा या तो सो जाता है, फिर वो सुबह पूछता है कि कहानी में अंत में क्या हुआ। तो कहानी को सीमित रखिए। अगर वो आपके पाठ्यक्रम में कहानी जोड़ी गई है तो आप अनावश्यक विस्तार देंगे तो बाकी प्रश्न आपके छूट जाएंगे और अनावश्यक विस्तार देने से कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में आप ऐसा करिए कि अनावश्यक विस्तार न देखिए, सीमित। इसीलिए मैंने आपको ये कहा है कि 100-150 शब्दों की, 100-150 शब्दों तक 10 से 15 लाइन, 10 से 15 लाइन में आपको कई चीजें लिखनी है, कहानी का आरंभ, कहानी के मध्य और कहानी का अंत और चौथी चीज कहानी से शिक्षा। ये चार चीजें होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, कहानी कोई ना कोई शिक्षा से अंत करे। मैं इसको ओरल बोल देती हूं क्योंकि अगर मैंने कुछ ऊपर और लिखा तो मुझे नीचे का रब करना पड़ेगा। तो सातवां पॉइंट में बल्कि इसको मिटा देती हूं और सातवें पॉइंट को मैं यहां ऊपर में लिखती हूं। कहानी के अंत से कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, यानी एक मॉरल होना चाहिए। अगर आपने एक आलसी लड़के के ऊपर कहानी शुरू की, अब उसकी आलसी पन के कारण उसका कौन कौन सा नुकसान हो रहा है, ये चीजें आप उसमें जोड़ते जाइए कि आलोक बहुत आलसी था, आज कक्षा में खड़ा करते ही अध्यापक ने जैसे ही उससे पूछा कि आलोक क्या तुमने अपना काम किया, आलोक ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर साहब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैं बहुत बीमार था, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने मुझे ढेर सारी दवाइयां दी हैं, मैं उन दवाओं को खाते ही सो जाता हूं, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया। तो मास्टर ने पूछा, अरे तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी कितने दिनों से है? डॉक्टर साहब ने तो बताया कि ये बीमारी बहुत पुरानी है। अच्छा तो तुमने आगे क्या सोचा है, तुम्हारा इलाज चलेगा या तुम पढ़ाई का काम कर पाओगे? अब आप इसी में जोड़ते जाइए हो जाएगा एक आलसी लड़के। और अंत में दिखाइए कि मास्टर साहब ने उस आलसी लड़के की
अंदर की भावना को पकड़ लिया और फिर वो जान गए कि ये बच्चा सिर्फ आलस के कारण बहाने बना रहा है और उस बहानों के चलते ये अपना काम नहीं करता। तो मास्टर साहब ने उसे कोई शिक्षा दी कि मैंने तुम्हारी गलती पकड़ ली है, तुम्हें आइंदा ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए, पढ़ाई जीवन के लिए आवश्यक है। ऐसे करते करते आप कहानी का अंत कर दीजिए तो उसमें एक शिक्षा भी अवश्य मिल जाएगी, तो आपको एक मॉरल भी उसके साथ जोड़ दिया जाएगा कि कैसे कहानी का अंत है। तो ये छोटी सी चीज मैंने बताई। फिर एक मैंने आपको यहाँ बताई थी कि कहानी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी रोचकता खत्म हो जाएगी, तो सुनने वाला या लिखने वाला थक जाएगा, तो कहानी में त्रुटियां होने लगेंगी, गलतियां होने लगेंगी मात्राओं की, और फिर वो कहानी की रुचि खत्म हो जाएगी। फिर कहा है कहानी के संवाद सुंदर स्पष्ट होने चाहिए। अब कहानी में आपने जितने पात्रों को रखा है, कहानी में आपने जितने पात्रों को रखा है, 2, 3, 4 जो भी कहानी के पात्र आपके हैं, उन पात्रों के बीच वार्तालाप कराइए, संवाद कराइए, और संवाद ऐसे संवाद होने चाहिए कि बहुत छोटे छोटे हों। एक ने सवाल किया, दूसरे ने जवाब दिया, दूसरे ने सवाल किया, तीसरे ने, ऐसे करके सारे पात्रों के बीच एक संवाद रचना करें जो आपकी कहानी को उत्कृष्ट बनाएगी और उच्च कोटि की बनाएगी। तो संवाद बहुत सुंदर होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए कि संवाद में क्या कहा जा रहा है। तो ये मैंने कहा कि कहानी में संवाद सुंदर और स्पष्ट होने चाहिए। फिर है कहानी के पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अगर आप अपनी छोटी सी कहानी में 100-150 शब्दों की छोटी सी कहानी में तमाम पात्रों को भर देंगे तो सुनने वाला और लिखने वाला खुद ही परेशान हो जाएगा कि कहानी को कहां से शुरू करें और कहां लाके जोड़ें, कैसे इस कहानी को इन सभी पात्रों के बीच चलाएं घुमाएं। तो सीमित पात्र रखिए, 3-4 पात्रों के बीच आप कहानी को लिखिए, सोचिए कि हम इन्हीं 4 पात्रों के बीच में कहानी को हम चलाएंगे, मुख्य पात्र। और अगर 1-2 पात्र आपने सहायक पात्रों के रूप में जोड़ लिया है तो चलेगा, लेकिन मुख्य पात्र आपको 3-4 से ज्यादा नहीं रखने चाहिए, क्योंकि कहानी रच रहे हैं, उपन्यास नहीं है, नाटक नहीं है, बड़ी चीजें नहीं है। कहानी बहुत छोटी होती है, सीमित होती है, कम समय में पढ़ने लायक होती है, कम पात्रों द्वारा होती है, तो घटना भी छोटी होती है। तमाम बड़ी घटना न जोड़ के कोई एक छोटी सी घटना को आप विषय बिंदु बनाइए। फिर वही बात जो यहां मैंने लिखी है वो आपको मैं समझा रही थी कि कहानी के पात्रों की जो संख्या है वो सीमित होनी चाहिए। फिर कहानी का शीर्षक आकर्षक होना चाहिए। अगर आप कहानी का शीर्षक, अगर कहानी का नाम, जो भी आप कहानी का नाम देते हैं, अगर वो बहुत सुंदर और आकर्षक नहीं होगा तो फिर पढ़ने वाला जो होगा उसे क्यों उठाएगा, पन्ने को खोलेगा, ऊपर शीर्षक पढ़ेगा, फिर उसका मन अनमना हो जाएगा, वो उठा के किताब बंद करके रख देगा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहानी कैसी है। तो एक छोटी मोटी बातें होती हैं जिसके माध्यम से हम एक सुंदर कहानी की रचना कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहानी की रचना, जैसे आपने छोटे क्लास में चालाक लोमड़ी पढ़ी है, आप जानवरों पे कहानियां लिख दीजिए, आप अपने घर के जो पेट रखे हो, जो पेट हो आपका, जो भी हो अगर कोई है, तो आप उसको आधार बना के खुद को जोड़ के उसके साथ कहानी लिख दीजिए तो आपकी कहानी और रुचिकर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कहानी के लिए सिर्फ जीवित पात्रों की ही आवश्यकता होती, आप वृक्षों को ले सकते हैं, आप जानवरों को ले सकते हैं, और अगर आप चित्र बनाना जानते हैं तो कहानी में छोटे छोटे से चित्र बना दीजिए, थोड़ा कलरफुल कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए बहुत सारी चीजों को, तो देखिए आपकी कहानी जो है बिल्कुल रुचिकर हो जाएगी। तो मैंने आपको
कहानी लेखन के कुछ गुण समझाए आपको, और आपने सारस और लोमड़ी की कहानी पढ़ी होगी छोटे क्लास में, प्यासा कौवा पढ़ा होगा, तो आपको कहानी ऐसे भी दी जा सकती है। चित्र दे दिया गया और चित्र को आप ध्यान पूर्वक देखिए और उसके माध्यम से आप कहानी बनाइए, तो आपको 50 शब्दों में 100 शब्दों में कहानी लिखना होगा। और एक चतुर किसान, तो मैं एक यहाँ विषय लिख रही हूँ चतुर किसान, एक आपको विषय दे देती हूँ आपका होमवर्क समझकर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा गृह कार्य, चतुर किसान, मैंने आपके स्तर को सोच के एकदम छोटा सा दिया है विषय चतुर किसान। अब ये चतुर किसान के ऊपर एक कहानी की रचना आप करिए। अब आप जोड़िए कि किसान ने कोई चतुराई कैसे दिखाई, तो क्यों दिखाई, किस कारण से उसे उसकी चतुरता काम आई, उसको जोड़िए। और ये विषय मैंने दे दिया, अब जितने बच्चे हैं इस विषय को लेकर अलग अलग कल्पना शक्ति के माध्यम से अलग अलग तरह से, क्योंकि आप एक कक्षा में बैठेंगे तो आप अपनी चीजों को दूसरों को बता देंगे तो कल्पनाशीलता मिलने लगेगी, लेकिन आप अपने घरों में बैठे हैं और विषय दे दिया गया चतुर किसान, तो चतुर किसान है अगर, तो उसकी चतुरता, किसान की चतुरता किन चीजों में हो सकती है, आप उसको कल्पनाशीलता से बढ़ाइए। तो शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, फिर उसके बाद है कि जो पॉइंट है वो कहानी के अंत में, कहानी के, कहानी के अंत में कोई शिक्षा अवश्य होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, नहीं ये तो मैंने आपको संबोधित किया इसलिए लिख दिया होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये 7 पॉइंट भी हैं आपके, और मैंने एक आपको गृह कार्य भी दे दिया चतुर किसान, इसके ऊपर एक कहानी लिखे, आलसी बालक, चतुर किसान, बूढ़ी दादी, बूढ़ी काकी, फिर शैतान लड़का, कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी चीज को आप क्लास 1-2 के बच्चों को दे दीजिए कि एक फ्लावर रख दीजिए, एक कोई सामान रख दीजिए और कह दीजिए इस पर एक कहानी लिखिए, देखिए वो लिखने लगते हैं। सोचने की कल्पनाशीलता सबके पास होती है, लेकिन इस कल्पनाशीलता को हम बढ़ाते कैसे हैं, कहानी लेखन के माध्यम से, कहानी लेखन से हमारी कल्पनाशीलता को विस्तार मिलता है, हमारी भाषा को विस्तार मिलता है, हमारे संवादों को विस्तार मिलता है, हमारे पास अच्छे शब्द भंडार होते हैं, तमाम मुहावरों का प्रयोग करना हम सीख जाते हैं, कठिन शब्दों का प्रयोग करना सीख जाते हैं, बोलचाल की भाषा का प्रयोग करके हम भाव अभिव्यक्ति करते हैं, बोलचाल की भाषा में भी अपनी भाव अभिव्यक्ति हो जाती है, तो कितनी सारी चीजें हम एक कहानी लेखन से सीख सकते हैं, एकमात्र कहानी लेखन से। इसीलिए मैंने आज आपको ये विषय लिया कि मैंने आपको गृह कार्य में एक कहानी होमवर्क में इससे पहले भी लिखने को दी थी, जो आपके पाठ ऐसे ऐसे, जो आपके वसंत पुस्तक है उसमें एक पाठ है ऐसे ऐसे, तो मैंने उसी को अपने दिमाग में रखकर आपको एक कहानी लिखने को दी है कि जैसे वो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता तो अपनी माँ को कहता है कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, अब माँ पिताजी घबरा जाते हैं, वो डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, डॉक्टर आता है, पेट देखता है और पहले बच्चे को डराने की कोशिश करता है कि पहले बच्चे, बहुत बार बच्चों को आप डरा दीजिए कि इंजेक्शन लगाएंगे, कड़वी दवाएं पीनी होगी, तो बच्चे कहते हैं कि दर्द ठीक हो गया, अब ठीक हो गया है, अब आराम हो गया है,
फिर माँ कहती है ठीक है आराम हो गया है तो घर के काम पूरे कर लो या अपना होमवर्क पूरा कर लो। तो फिर बच्चे को लगता है कि अब तो करना ही पड़ेगा, माँ ने सच्चाई पकड़ ली है। तो उस कहानी में भी बच्चा बहुत आलसी रहता है और वो स्कूल के काम को पूरा नहीं करता। मास्टर साहब भी आ जाते हैं, उन्होंने भी अपनी, आपने कहानी खुद ही पढ़ी है, मैं उसको क्या विस्तार दूं। तो उसी आधार पे मैंने आपको कहानी लिखने की दी, इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया कि कहानी लिखने में आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, आपको उस कहानी को लिखने के समय कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। आपको 5 नंबर में ये कहानी लेखन परीक्षा में भी जोड़ा जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ विषय दे दिया है कि चतुर किसान, इस चतुर किसान जैसा ही विषय वहां दे दिया जाएगा, आप उस पर कहानी लिखो। ये जरूरी नहीं कि चतुर किसान दे, हम कोई और विषय पत्र में आपको प्रश्न पत्र में दे देंगे। तो आपको तुरंत सोचना और तुरंत लिखना है, बिल्कुल तत्काल, जितना तेज सोच सकते हैं क्योंकि परीक्षा में तो समय भी कम होता है। तो ये सब खूबियां कैसे आएंगी? अभ्यास से। किस चीज के अभ्यास से? कहानी लेखन के अभ्यास से। और अगर कक्षा 6 के विद्यार्थी कहानी लिखते हैं तो उनको बहुत सारे फायदे होते हैं, उनकी भाषा सुधरेगी, शब्द भंडार बढ़ जाएंगे, स्पीड आएगी, रोचकता आएगी, अपनी बातों को सुंदर ढंग से लिखना आएगा, चाहे आप प्रश्नों के उत्तर ही क्यों ना हो। अगर आप प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीजें एक नन्हे से टॉपिक से, जो बड़ा रुचिकर टॉपिक है कहानी लेखन, तो उससे आप सीख सकते हैं। इतनी सारी चीजें मैंने आपको कहानी लेखन के माध्यम से बताई कि कैसे रचना करेंगे। और अगर आपके पास ड्राइंग अच्छी है तो आप साइड में उस चतुर किसान जिसे मैंने बताया, तो आप कोई छोटे से छोटे छोटे चित्र बना दीजिए इधर उधर, तो वो और सुंदर लगेगी। ये सब भी हो सकता है। तो क्या क्या चीजें एक कहानी लेखन में आवश्यक है वो सब मैंने आपको बता दी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं अपने इस वीडियो का यहीं अंत करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।